नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, दुबई मान लीजिए, यूएई मान लीजिए। यूएई बड़ा हार्ड वर्ड लगता है यार, थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है इसमें। तो हम बात करेंगे भाई विजिट वीज़ा से रिलेटेड, पूरी डिटेल बताएंगे। पहले वाले वीज़े में हालांकि मैंने एक वीडियो और बना दिया, लेकिन इसको अलग से मैं सेपरेट बनाना चाह रहा था, इसलिए बातें आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। पूरी डिटेल से बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड छह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई देखिए, हम शॉर्टली तरीके से 3 मिनट में पूरी डिटेल से मैं बताऊँगा। आपको पता है साथियों, 17 मार्च 2020 दुबई का आखिरी टाइम था। उस दिन रात को 12 बजे तक वीज़ा, बहुत सारे वीज़ा निकले थे और एक दिन में 10-15 हज़ार वीज़ा निकल गए थे एक साथ में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, भूटान, कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री हैं। और 17 मार्च रात को 12 बजे बाद में उन वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया। और ये कैंसिल करने का रीज़न ये था कि भाई ये तो 17 तारीख को जो निकले थे उन्हीं को कैंसिल किया है कि भाई आगे हम, क्योंकि आपको पता है जो कोविड-19 था वो उग्र रूप ले रहा था, लगभग कंट्रियों ने बैन लगा दी थी फ्लाइट से रिलेटेड, तो दुबई ने भी स्ट्रिक कदम उठाते हुए वो सिस्टम क्लोज कर दिए थे। अब उसमें हुआ क्या कि 17 मार्च से पहले जितने भी वीज़ा थे, 17 मार्च से पहले बहुत सारी दुनिया के वीज़ा निकले, 1 महीने वाला वीज़ा, 3 महीने वाला वीज़ा, ठीक है, और वर्क परमिट वीज़ा भी निकले थे, रेजिडेंशियल वीज़ा, कोई भी वीज़ा निकले थे। यूएई सरकार ने आपके ऊपर प्रहार करते हुए आपका पैसा पूरा का पूरा गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपने, आपका वीज़ा निकल गया, आप दुबई नहीं जा सके, तो आपको तो मन में कहीं ना कहीं होगा यार वीज़ा या तो एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि सब कंट्रियां कर रही हैं, और एक्सटेंड नहीं होगा तो सरकार पैसे, जो पैसे वीज़ा के लगे रिफंड नहीं होंगे, रिफंड हो जाएंगे, नहीं तो आपका पैसा रिफंड होगा, नहीं आप उस वीज़ा से जा सकते, वो वीज़ा कैंसिल हो गए सब के सब, चाहे आपका वीज़ा कोई भी हो। तो ये आपके लिए बड़ी बैड न्यूज़ है, और ख़ास तौर से उन गरीब लोगों के लिए जो एजेंटों के थ्रू पैसे दे के ऑफिस के थ्रू उन्होंने वीज़ा लिए थे, वो वीज़ा भाई आपके सब कैंसिल हो चुके हैं, और वो पैसा भी गया। मेन बात यह है कि पैसा सरकार रिफंड नहीं करेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने, आपको पता, आज से महीने भर पहले बोला हम वीज़ा नहीं देंगे, तो उन्होंने पैसा रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने, अब आपके वीज़ा निकल गया, आप नहीं जा पाए, ये गलती किसकी? अब सऊदी सरकार ये मानते, दुबई सरकार ये मानती है कि हमारी गलती नहीं है, लॉकडाउन लगा तो फ्लाइट तो आपने बंद करी, तो गलती तो सीधी सी आपकी है, और आपकी भी गलती नहीं है, तो उस वीज़ा को रिन्यू कर देना चाहिए भाई। 3 महीने का वीज़ा है तो चलो 1 महीने का कर दो, तो ऐसा कुछ करके एडजस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन नहीं जी, उस वीज़ा का, सभी तरह के वीज़ा के पैसे आपके लग गए, रिफंड नहीं होंगे, वीज़ा कैंसिल हो गए। अब हम बात करते हैं कि अभी 7 जुलाई से दुबई ने वीज़ा स्टार्ट कर दिए यूएई ने। अब आप अगर मान लीजिए आपको वो वीज़ा कैंसिल हो गए, अब आपको दोबारा वीज़ा लेना होगा, तो उसका पैसा दोबारा लगेगा आपका। उसके साथ में यूएई सरकार ने एक कंडीशन ये रखी है कि आपको बीमा साथ में लेना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, बीमा कौन सा होता है मैं बता देता हूँ। कोविड-19 ये कोरोना बीमारी से रिलेटेड ये बीमा है। जैसे ही आपका जो ऑपरेटर है आपको वीज़ा निकाल के देता है, तो उसमें साइड में एक ऑप्शन आएगा कि भाई आपको बीमा लेना है। 1 मंथ का वीज़ा आप लेते हो तो लगभग आपको 90 दराम देना होगा, 90 दराम आपको पे करनी होगी एक्स्ट्रा, ये मान ले लगभग 2000 के करीब समझ सकते हैं। अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेते हो तो आपको 150 दुबई दराम, जी हाँ, एक्स्ट्रा आपको मेडिकल के तौर पे, इंश्योरेंस के तौर पे देनी होगी। अब इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए ये आप इंश्योरेंस लेके साथ में दुबई चले गए, खुदा ना खास्ता कल को जाके वहाँ आपको कोरोना से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, तो मेरे भाई आपका 150 रियाल में पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, वरना वहाँ की हॉस्पिटल इतने महंगे हैं, 10 लाख भी लगे तो पार नहीं पड़ने वाली, समझ गए बात को। 3 महीने वाले वीज़ा में 150 दराम खर्च हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 3-3.5 हज़ार का मेट्रेस दे दीजिए, उसमें बेनिफिट आपका पूरा हॉस्पिटल का खर्चा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो आपका बीमा कर रही है वो वहन करेगी, कल को आपके कोई बीमारी हो जाती है तो आप समझ गए होंगे। ये कुछ नया अपडेट आया था, दो बिग अपडेट थे, बेड, और दोनों ही बेड ही समझ लीजिए एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, तो भाई बेड ही बेड है, कोई गुड न्यूज़ तो है नहीं।
बाकी ये आपका इंश्योरेंस का पैसा कल को लगे यार कि पैसा ज़्यादा कैसे ले लिया, तो एक महीने वाले के लिए 90 दुबई दराम आपका लगेगा और 3 महीने वाले के लिए 150 दुबई दराम का आपको पे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस के लिए करना पड़ेगा। बदले में आपका कोरोना से रिलेटेड अगर कुछ वहाँ हो जाता है और आप पॉजिटिव आ जाते हो तो मेडिकल का जितना भी खर्चा आएगा हॉस्पिटल का, ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपका पे करेगी। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगेगी, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।